नमस्कार साथियों, मैं दीपक शर्मा एक एथलीट होने के नाते फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े उन फिटनेस एक्सपो के तमाम अधिकारियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन की आड़ में खिलाड़ियों के पैसों से अपनी जेबें भर रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये खिलाड़ियों से एंट्री फीस ले रहे हैं, इसको बंद करें। ये मेरी सभी से अपील है। सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत से ऐसे एथलीट हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। इनके अलावा और बाकी भी जो खिलाड़ी हैं जिन जो किसी एक गेम की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो प्री कंटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन डाइट इन सब का पर डे एक्सपेंसेस 2,000 के आसपास सभी का आता है, जो 2 से 3 महीने तक हर खिलाड़ी को बियर करना होता है। उसके बाद 20-20 हज़ार रुपये तक एंट्री फीस लेना, ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है। जिसको जिसकी तरफ फिटनेस एक्सपो के जो भी मालिक हैं उन्हें सोचना चाहिए, देखना चाहिए और इस एंट्री फीस को कम करना चाहिए कि खिलाड़ी उस कंपटीशन में, उस एक्सपो में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। ये फिटनेस एक्सपो के जो भी मालिक हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी इवेंट को एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए एक स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही बेहतर होगा। एक नेशन बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स का एक मेजर रोल होता है नेशन बिल्डिंग के लिए। सिर्फ फिटनेस एक्सपो के मालिक ही नहीं, मैं खिलाड़ियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं वो इनका विरोध करें, उनको बताएं, अपनी परेशानियाँ बताएं और इस फीस को कम कराने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।